सियासी बहरान में मजीद शिद्दत, पंजाब में गवर्नर राज लगाने पर काम शुरू। हुक्मरान इत्तेहाद का पंजाब में पीटीआई और काफिले को टफ टाइम देने का फैसला। नून लीग और इत्तेहादियों ने कानूनी और आइनी माहरीन से मुशावरत शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने भी पंजाब में गवर्नर राज का इशारा दे दिया। आर्टिकल 234 के तहत कौमी असम्बली सैनेट से करारदाद मंजूर कराई जाए, मशवरा। करारदाद मंजूर होने पर गवर्नर राज की राह हमवार होगी। आयन के तहत वफाकी हुकूमत 2 माह के लिए गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को भी ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू कर लिया। पीटीआई रहनुमा अंतली बबास और हसन न्यासी ने दरख्वास्त दायर कर दी। अंतली बबास कहती हैं, वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग के मतलूम मुलज़िम को दौरा तुर्की में साथ लेकर गए। पंजाब के बाद विफाक में भी नून लीग की हुक्मरानी का अब कोई जवाब नहीं। तहरीके इंसाफ पंजाब के बाद अब विफाक में अपना झंडा लहराएगी। खान के नाम की मंजूरी इमरान खान और परवेज़ इलाही मुलाकात में दी गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही से अहम बैठक होगी। सियासी और अवामी मसाइल के हवाले से टास्क भी दिए जाने का इम्कान। चौधरी परवेज़ इलाही आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब वापसी पर बाज़ाब्ता तौर पर अपने दफ्तर का चार्ज संभालेंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का तबादला। मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब तैनात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब नबील अवान को ओहदे से हटा दिया गया। नबील अवान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। अनायतुल्ला को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्ताफी हो गए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफा गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया। दोस्त मजारी के खिलाफ जल्द अदम एतमाद तहरीक की कार्रवाई का फैसला। डेप्यूटी स्पीकर के लिए वासिक कयूम मलिक तैमूर के नामों पर गौर। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नामों की हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। पंजाब हुकूमत बदलते ही ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना को ओहदे से हटा दिया गया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब राणा अब्दुल जब्बार को विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। डीपीओ जंग सरदार गयास गुल खान को भी तब्दील कर दिया गया। किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 150, कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा हो गया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं, एलपीजी की कीमत में इजाफा बिला जवाब है। लाहौर में बिजली की बदतरीन बंदिश का सिलसिला जारी। लेस्को को 750 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। चुंगी अमर सद्दू के मकीनों का लेस्को के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने फिरोजपुर रोड को ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने पर शहरियों को मुश्किल का सामना। सावन के पहले ही स्पेन ने लेस्को की तैयारियों का पोल खोल दिया। भारी बजट होने के बावजूद ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की शदीद कमी। कई इलाकों में लोग 24 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। वजारत पावर जमीन में शहरों को तकसीम कार कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वासा हुकाम के दावे धरे के धरे रह गए। अहम शराहों से ताहाल बारिशी पानी ना निकाला जा सका। जोड़े पुल एयरपोर्ट जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार। शहरों से खड़े बारिशी पानी ने सड़क का हुलिया मजीद बिगाड़ दिया। टूटी सड़क से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। अलाइट महकमों की मुबैना गफलत का नतीजा। सिख नहर के करीब ऑरेंज ट्रेन ट्रैक से मोहिका सड़क पर बैठ गई। गुज़श्ता 6 माह से सड़क की मुतासर साइड को मुरम्मत न किया जा सका। टूटी सड़क से ट्रैफिक हादसा पेश आने लगे। मैं
महंगी गंदम और सप्लाई की कमी का बहाना शहर में सस्ते आटे की फराहमी ख्वाब बन गई। दुकानदारों और चक्की मालिकान की मनमानियों से मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता आटा नायाब हो गया। चक्की आटा की कीमत 105 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। सस्ता स्कीम के तहत 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये तक फरोख। खाली हाथ लौटने पर मजबूर, हुकूमत की जानिब से दावे तो किए गए मगर सस्ती अशिया नहीं मिल रही, शहरियों की दुहाई। शहर में गिरफ्तारों और जखीरा अंदोजों को खुली छूट, 88 मजिस्ट्रेट्स के जरिए 48,000 दुकानों की चेकिंग नामुमकिन टास्क करार। अशिया खुरनोश के नरखों में होशरबा इजाफा न रुक सका, डीसी लाहौर कहते हैं डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत के बायस महंगाई की शरह बढ़ी। बेटे की बाजियाबी को बुनियाद बनाकर दरख्वास्त दायर करने का मामला, लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। दरख्वास्त गुजार के बेटे की बाजियाबी की पहली दरख्वास्त भी झूठी करार दी जा चुकी है। भुट्टा मजदूरों से जबरी मुशक्कत करवाने का मामला, 6 भुट्टा मजदूरों को बैलेट नए बासियाब करवा कर अदालत पेश कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का भुट्टा मजदूरों को आज़ाद करने का हुक्म, जस्टिस मोहम्मद रफीक ने शहनाज बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। पहले से मुतासिर ट्रेनों का शेड्यूल मजीद खराब हो गया। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें ताखिर का शिकार। पाक बिजनेस ट्रेन 9 घंटे, रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन 8 घंटे लेट, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नहम जमात का इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी। तलबा 1 अगस्त से 30 सितंबर तक दाखिले बेच सकेंगे। दाखिला फीस 800 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 395 रुपये रखी गयी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों की आर्मी म्यूजियम आमद, बच्चियों को आर्मी म्यूजियम की सैर करवाई गई। पाक फौज की तारीखी फतवाहत से मुतालिक बच्चों को आगाही दी गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद कहती हैं, बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से घर जैसा माहौल दिया जा रहा है। मॉनसून का नया स्पेल आने को तैयार, लाहौर रावलपिंडी और गुजरावाला जबेल में तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए सतलुज, दाबी चेनाब और जेहलम में सैलाब का खदशा, PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया।